आज हम आए हैं लाहौर का खाना एक्सप्लोर करने, जहां हम ट्राई करेंगे मजेदार सी ग्रिल चिकन स्टेक, लजीज पिज्जा। Extremely yum burgers and much more. मेरे मुंह से बड़ा बर्गर नहीं लग रहा है। और moment of the truth. तो भाई हम पहुंच गए हैं बर्गर मार्केट, जो है लाहौर का बहादुराबाद, या फिर आप कह सकते हैं द्वारा जी, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा immense fusion food. और आज जो चीज मैं खाने के लिए आई हूँ वो है यहाँ की अमेजिंग sizzling सा और टेस्टी फुल यहाँ का ग्रिल्ड चिकन स्टेक। भाई हमारे कराची वाले इसको स्टेक नहीं बोलते, इसको ग्रिल चिकन बोलते हैं, बट यहाँ पे ये लोग बोलते हैं स्टेक। और इसको सर्व किया जाता है एक लंबे से बड़े सिज़लर प्लेटर पे, उसमें डाली जाती है क्रंची चिकन, साथ में होता है ग्रिल चिकन बेस्ट पीस उस पर जाता है, साइड लाइन वो है फ्राइज और फिर बहुत अमेजिंग से सॉसेस। यार लग रही है ना भूख, तो क्या ख्याल है फिर आपको दिखाते हैं सारे शो, और उसके बाद हम ट्राई करते हैं और ट्राई करके आपको बताते हैं इज इट वर्थ इट या इज इट नॉट। माशाल्लाह जी आज हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, पहले हम आए थे पहले इतना मज़ा नहीं आ रहा था, आज हमने डबल चीज़ में करवाया काम और बहुत ही मज़ा आ रहा है, और यकीन माने ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पहली बार आए, हालांकि इधर आए हम काफ़ी बार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी आप खड़े हैं स्टेक किंग पे बरकत मार्केट में, और आपको ये साथ साथ बताते जाते हैं हमारी स्पेशलिटी में ये ग्रिल स्टेक होती है, इसमें पोर्शन ग्रिल का, लोडेड फ्राइज का पोर्शन और एक जिंगर क्रंच पीस, और सबसे जो स्पेशल है वो हमारी सॉसेज होती हैं कि जो दूसरों से डिफरेंस हम इसमें बनाते हैं। तो भाई अमेजिंग सा सिज़्ज़र प्लेटर हमारे पास यहाँ पे आ गया है, कराची वालों देखा है क्या ऐसा प्लेटर कभी। अच्छा भाई मैं एक चीज़ आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये है क्रिस्पी फ्राइड चिकन यहाँ पर, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, और फिर है प्रॉपर तरीके की ये साइड लाइन, उसके बाद आता है अमेजिंग 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 ग्रिल्ड खूबसूरत किस्म का चिकन फुल ऑफ फ्लेवर्स, और आती है मज़ेदार किस्म की सॉस, जो मुझे लग रहा है ये सॉस जो है ना थोड़ी सी मंचूरियन स्टाइल टेस्ट करिए, तो हम बिस्मिल्लाह करके पहले इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। बिल्कुल थोड़ी सी मंचूरियन स्टाइल है ये, और अब हम कर रहे हैं स्टेक को ट्राई और देखते हैं कि आया ये स्टेक वैसा ही है जैसी इस स्टेक की पूरी हाइप बनी हुई है। और मोमेंट ऑफ द ट्रूथ ये है फ्राइड चिकन, इसको हम करते हैं ग्रे। ओए होए ये तो बस इतनी मक्खन हो रही है कि ऐसे ही टूट गई, इसका उठाया क्रंच हमने, एक बनाया लुकमा फुल सॉसी फुल लोडेड। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखें ज़रा, ओए होए होए गर्मा गर्म धुएँ निकल रहे हैं भाई, जैसे कराची वाले हर चीज़ में डाल देते हैं चिपोट, वैसे ही ये लोग हर चीज़ में डाल देते हैं कैचअप, चीज सॉस होगा मिनी सॉस होगी और ऊपर से होगा कैचअप। एक ही कंट्री है, दो डिफरेंट सिटीज़ हैं और दो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। चलो भाई अब हम टेस्ट करते हैं जल्दी से उनके लोडेड फ्राइज। ओ माय गॉड कितने लोडेड हैं ये। बहुत लोडेड हैं, बहुत मजे से, इकोनॉमिकल प्राइस है इसकी। तो भाई अगर कोई कराची से आ रहा है ना लाहौर, तो मैं एक बात बताऊं, इनका बरकत मार्केट ज़रूर 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 आना, ट्राई करना, यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग फूड ऑप्शन हैं। ओके जी, तो हम मौजूद हैं एक बाल टाउन के अंदर, और एक बाल टाउन में टी वाला के स्टॉल पे हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग खाने वाले कुछ अमेजिंग से बर्गर। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फूड वेंचर इज के यार इन्होंने ना क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो लॉरीज यहाँ पर आकर खाओ, और आप लोग यहाँ के रश को, यहाँ की क्वांटिटी और क्वालिटी को देखिए खुद ही इस चीज़ को मान जाएंगे। और मैं जाते जाते एक और बात आपको ज़रूर बताती चलूँ, द बॉय इज़ ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, कैन यू बिलीव इट यार, इतना पढ़ा लिखा लड़का और आज वो फास्ट फूड का स्टॉल चला रहा है। यही हमारी पाकिस्तानियों की बात होती है कि हम लोग ना कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, अगर हमारा एक जगह से दरवाज़ा बंद होता है ना, तो अल्लाह ने हमारे अंदर इतना अकीदा रखा हुआ है कि हम दूसरी जगह का दरवाज़ा
जो है ना वो खोलने निकल जाते हैं। फिर वो मैंने एक बर्गर लॉन्च किया, पैटी बर्गर भी लोगों ने वो पसंद करना शुरू कर दिया, तो मैंने फिर नाम टी वाला नाम दिया और उसको फास्ट फूड में कन्वर्ट कर दिया सारा। बर्गर यहाँ पे आ गया है और आप सिर्फ इसकी साइज देखें, मेरे मुंह से बड़ा बर्गर ही लग रहा है। मतलब मैं आपको काट के दिखाती हूँ, उसकी मैं फिलिंग आपको दिखा देती हूँ। सॉसेज में डिप हुई हुई चिकन है, ब्रेड है, चिकन हो गई, फिर दोबारा से बन की लेयर है, उसके बाद ये जो है ये पूरा मोज़रेला का ब्लॉक है जिसको मैं अभी आपको काट के दिखाऊंगी कि अंदर से किस तरह से ये ऊज़ करेगा। तो अंदर से कट कर रही हूँ और मोमेंट ऑफ द ट्रूथ, ओ भाई साहब ये देखें ज़रा, देखें ज़रा किस कदर इसमें से चीज़ गिरा, ओए होए 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 होए, लेवल कर दिया भाई लेवल। ओके गाइस ये बहुत ज़्यादा फिल्डअप हुआ हुआ है, लिटरली मेरे पूरे हाथ गंदे हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉसी है, बहुत ज़्यादा चीज़ी है, पता नहीं कहाँ से खाऊँ मैं। खैर मैं बाइटन करती हूँ उसको, बिस्मिल्लाह। प्रॉपर क्रंची फिले हैं और चीज़ से भरपूर ये हुआ हुआ है कि अभी भी चीज़ जो है ना वो निकले जा रही है, इसके अंदर निकले जा रही है। ओए होए एक्सेलेंट मैन एक्सेलेंट, कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ है ये, उस तरह की अगर कराची वाले मुझे दिखा देना कोई नेक्स्ट लेवल चीज़, मैं लिटरली मार जाऊँ सीरियस। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये बर्गर हर किसी के लिए नहीं है, जो स्पेशली चीज़ लवर होते हैं ये बर्गर उनके लिए है, क्योंकि इतना चीज़ तो ना कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं खा सकता। ये है यहाँ का सबसे बेस्ट तरीन लोकल पिज्ज़ा और इसको मैं कंपेयर करने वाली हूँ ऑफ कोर्स हमारे एपिटोम नॉर्थ साइड पिज्ज़ा से, ये देखने के लिए कि आया ये दोनों एक जैसे हैं या फिर बहुत मुख्तलिफ हैं। और अगर ये नॉर्थ साइड को भी बात देता है तो आई थिंक सो इट्स गोना बी वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि एक दिन के अंदर अगर आप 1000 पिज्ज़ा से ज़्यादा सेल करेंगे तो आई गेस आप ऑलरेडी जीत रहे हैं ये जान। तो यार मैं आप लोगों को लेकर आई हुई हूँ कहाँ पे, ग्रिल हॉट पे, जहाँ पे रोज लगते हैं और रोज सेल होते हैं 6000 से ज्यादा के बर्गर। यानी ये लाहौर का चीला फूड पॉइंट के बाद वो सबसे बड़ा और वाहिद फूड पॉइंट है जो एक ही घंटे में और 2 घंटे में इतने बर्गर सेल्स करता है जितनी तो शायद मेरा ख्याल है लाहौर की ना पॉपुलेशन भी नहीं है। आज मैं मौजूद हूँ ग्रिल हॉट पे क्योंकि मैं इसे ओन करता हूँ, तो मैं तो यहाँ डेली मौजूद होता हूँ, तो मेरे साथ आएँ और मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान की और लाहौर की वो जगह जहाँ बर्गर दर्जनों के हिसाब से बिकते हैं। नो डाउट मोर देन 5000 बर्गर्स इन अ डे। गुड जॉब मैन, गुड जॉब। मतलब पूरे लाहौर के पूरे पाकिस्तान इंडिया में ना ये बंदा और इसका ये जो बिजनेस है ना पूरा वायरल चल रहा है। होए 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 होए। मशहूर बर्गरों के पहाड़, बर्गरों का सलाब, बर्गरों का तूफान। पाकिस्तान की पहली जगह है इस्लामाबाद के बाद जहाँ सबसे ज्यादा बर्गर है। ये जो हमने उठाया था ये था M21 सुप्रीम या सुपर इसको कहते हैं जी, ये बहुत ही मुझे क्रीमी सा लग रहा है। नहीं उठा रहे, ओ भाई सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे इसकी लग रही ना वो ये इसका आउटर का। ओके
हम सबसे पहले पेरी पेरी इसका टेस्ट कर रहे हैं। इसका साइज़ बहुत बड़ा है और यहाँ पे इन्होंने थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा के अंदर यहाँ पे स्टफिंग की है, सेम जिस तरह से लाइक ब्रॉडवे कर रहा होता है। तो इसको हम टेस्ट करें। यहाँ पे आके नॉट यू विल नॉट प्रिफर